मुकाबले ब्रज बारहमासी में धर्मपाल सुशीला पेश करता हूँ। इसके रचयिता का गायक एतबारी लाल व नत्थूलाल और हमारे साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं धान सिंह मस्ताना और हमारे साथ मजीरों पर संगत कर रहे हैं बेदराम सिंह अनरावी। तो सुनिए, दहेज लेने से क्या होता है, दहेज के साथ में मौत आ जाती है। मेरे नौजवान साथियों, जिला बुलंदशहर और अलीगढ़ का किस्सा गुजरा हुआ मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अरे बुलंदशहर दर में गांव एक छोटा बंगलोई, जब मंत सिंह एक राजपूत भारत नगर होई, कुमार है दो दिन के प्यारे हर पाल यार सतपाल प्रिय दो नहन के हारे, तीसरी अस्वता सुपी लागी नहीं धन दौलत की कमी हर करार रात दुनियात, सोच जस मन तक यो भारी है बेटी सारी कही अब हाथी कीनी है जारी, देखने लड़का जाता है रे देखने लड़का जाता है भैया देखने बुलंदशहर में एक गांव लगता है छोटा सा बंगलोई। बंगलोई में जसवंत सिंह नाम के एक राजपूत रहते थे। इनके दो लड़के थे हरपाल और सिसपाल। एक लड़की थी जिसका नाम सुशीला था। लड़की की शादी नहीं हुई थी। जसवंत सिंह ने विचार किया इस लड़की की शादी कर दें तो घर से 10,000 रुपए लेकर चलते हैं सुशीला की शादी तय करने के लिए। कहां पहुंचते हैं, जिला अलीगढ़ में। हर सुता सुशीला बरन रहे जसमंत सिंह जाई, हर ग्राम नगरिया चलाय अलीगढ़ में पहुंचे जाई, भैया ग्राम नगरिया चलाय अलीगढ़ में पहुंचे जाई। बस अभा धर्म पाल छोरा नहीं घन दौलत की कमी है जसमका ताबल बोला पूरा, लड़के को देख लिया और होकर कैसर सन्नर भैया 10,000 दिया, लौट के घर को आए हैं रे लौट कर घर को आए हैं भैया 10,000 दिए के अहबाल बुलाए हैं। हाँ मेरे नौजवान साथियों, जसवंत सिंह घर से लड़की की शादी तय करने के लिए चलते हैं तो कहाँ जिला अलीगढ़ में पहुंचते हैं। जिला अलीगढ़ में एक गांव लगता है छोटा सा नगरिया। नगरिया में धर्मपाल नाम का एक लड़का रहता था, उसी को देख करके शादी तय कर देते हैं और 10,000 रुपए दे देते हैं। 10,000 रुपए दे करके जसवंत सिंह अपने घर के लिए वापस चले आते हैं। उधर 10,000 की रकम को देख करके धर्मपाल विचार करने लगता है। क्या विचार करता है? हर 10,000 की रकम महल में धर्मपाल भारी, हर पर्व उन्नति राजपूतन में नाम हो भारी, बाद में बिहार जाऊंगा उन्नत फील करन के रकम 10,000 की पाई, अरे 20,000 बैंक से लूंगा मंजूर करवाई। नंबर नाम हो
अब हरमपाल के लिए 10,000 रुपए शादी मिलते हैं। धर्मपाल ने विचार किया, 10,000 रुपए दिए हैं और 10,000 रुपए घर से मिलाऊंगा, 20,000 बैंक से मंजूर कराऊंगा, शादी तो बाद में करता रहूंगा, पहले जाता हूं दहली के लिए ट्रैक्टर लेने के लिए। मेरे नौजवान साथियों, 10,000 रुपए दो थे और 10,000 रुपए घर से मिलाता है, 20,000 बैंक से मंजूर करा लेता है। 10,000 मिले शादी में, 10,000 मिला दे, 20,000 लिए बैंक से लेन देन कर जावे। रहते थे बदमाश दाम में, अरे हीरा भजना भाई, धर्मपाल कर जाने की इन तोरे महल में हो जाई। हाँ मेरे नौजवान साथियों, धर्मपाल जब 40,000 रुपए लेके चलता है, इधर गांव में दो बदमाश रहते थे, उन्हें ये सारे किस्से के लिए मालूम हो गया, इतने में उन्होंने विचार किया धर्मपाल को मारने का। अरे कर 40,000 रुपया दहलिए को खाया, हम मैं तो बदबा सभे दसब ने कहा सुन खायो। लेकर चलता है, गांव में दो बदमाश रहते थे, उन्हें मालूम हो जाती है धर्मपाल 40,000 रुपए लेकर जा रहा है दहली के लिए ट्रैक्टर लेने के लिए। बदमाशों ने विचार किया, अगर इसे मार दें तो 40,000 रुपए मिल जाएंगे। बदमाश उसके पीछे लग लेते हैं। धर्मपाल ने दहली जाने का टिकट लिया स्टेशन पर, उधर बदमाशों ने धर्मपाल को मारने का मशवरा किया। इस मशवरे के लिए उस स्टेशन पर एक बुढ़े ने सुन लिया, उस बुढ़े ने पहचान कर धर्मपाल के लिए बताया, अरे धर्मपाल क्या बात है पिताजी, इन दोनों की सलाह एक बुढ़े ने सुन ली थी, एक अंत तेरे कर धर्मपाल कर जाए कर कहती थी। उस बुढ़े ने समझाया, धर्मपाल तेरे लिए बताएंगे, क्या बात है पिताजी, अरे धर्मपाल तेरे पीछे बदमाश लगे हुए हैं, क्या तुझसे 40,000 रुपए हैं? हाँ पिताजी, मुझसे 40,000 रुपए हैं। धर्मपाल जान तेरी ले बैगीर माया, हर नजर बचा के इन दे भगजा बचा ही निकाया, किसलिए तेर लगाता है रे, किसलिए तेर लगाता है भैया, तेर कटे कटा धर्मपाल दहली।
तेरे ये बदमाश मार देंगे, इनों से तू जान बचा ले। पिताजी अब कहां जा सकता हूं, दिन खत्म हो गया। धर्मपाल ने विचार किया, मेरे नौजवान साथियों जो मेरी शादी तय हुई है वो गांव स्टेशन के पास में बंगलोई। चलिए ससुराल को चलता हूं, ससुर को साले को साथ में ले जाऊंगा और दहली से ट्रैक्टर ले आऊंगा। तो धर्मपाल ने विचार किया, अरे सुन बुढ़े के बचन सोचता धर्मपाल मन में, ए तीन लहे सब रकम मार दे किन बद कर दिन में। धर्मपाल ने विचार किया, ठीक है जो मेरी शादी तय हुई है वो गांव स्टेशन के पास में, ससुराल को चलता हूँ, ससुर को साले को साथ में ले जाऊंगा, एक से तीन हो जाएंगे और दहली से ट्रैक्टर ले आऊंगा। मेरे नौजवान साथियों, धर्मपाल ने यही विचार करके ससुराल को जाने की तैयारी की। किस तरह से चोरों से अपनी जान के लिए बचाता है धर्मपाल ने सोच है अपने में दीना। नजर बचा भैया नजर बचा गया हुआ पर बाहर रहे आनंद में भाई। धर्मपाल ससुराल में पहुंचा, धर्मपाल को देख करके सास ससुर खुशी हो गए और विचार करने लगे, भेद जे समझ में आया है क्या पाई मुसीबत को ही किसी ने इन्हें सताया। सोच दे पड़ा दिखाता है रे, सोच दे पड़ा दिखाता है भैया ने लेके कर धर्मपाल पहली को जाना है। धर्मपाल ने 40,000 का बैग हाथ में लेकर के और ससुराल के लिए चल देता है। ससुराल में पहुंचा तो सास और ससुर धर्मपाल को देखकर खुशी हो जाते हैं और विचार करने लगे, लड़की से शादी तय हो गई है परंतु ही तो नहीं है, तब तक ये तो घर पे आ गए, ऐसा मालूम होता है इनके घर पे कोई काम बिगड़ गया है इसलिए आए, कोई बात नहीं है धर्मपाल के लिए खाना बनाइए। मेरे नौजवान साथियों, धर्मपाल के लिए खाना बनाया जाता है किस तरह से। सास ससुर ने दामाद को खाना बनवाया है और बड़े प्रेम के साथ बिठा कर उसे जमाया है। जब घर पर खाना खाने चलता है, खाए में खाना भाए है, रुपया 40,000 ससुर अपने का लाए है, रुपया 40,000 ससुर अपने का लाए है। धर्मपाल खाना खाने जाता है तो 40,000 रुपए साथ में लेता है। खाना खाकर फारिग हुआ और 40,000 रुपए अपने ससुर को दे दिए। और कहने लगा,
बचन फिर जेह उजारे हैं। हर चोरन पे मैं जहन बता कर यहाँ दुलार बेदली को जाऊंगा, तुम चलना मेरे साथ ठेक कर लेकर आऊंगा। बचन जैसा ही बताता है रे, बचन जैसा ही बताता है, भैया बहन ठेक कर धर्म पाल नहरी का जाता है। हाँ मेरे नौजवान साथियों, धर्मपाल ने 40,000 रुपए मेरे ससुर के लिए दे दिए और बताया, पिताजी मैं चोरों से जान बचाकर यहाँ चलाया हूँ, इस बैग में 40,000 रुपए हैं, ये रख लो और सुबह दिल्ली को चलेंगे ट्रैक्टर लेने के लिए। धर्मपाल ये कह करके 40,000 का बैग अपने ससुर को दे देता है और धर्मपाल एक कमरे में जाकर सो जाता है। इधर 40,000 की रकम को देख करके रुपया 40,000 ससुर का दीने का दीने। और कमरा सोए जाए वहां नहीं देर लगाई है, सगा नहीं काल का कोई, और फस पैसे के लोह बजा तो मन पल बहल रोई। पैसा ऐसी चीज होती है आदमी की नियत खराब हो जाती है, 40,000 रुपए देकर के उसके ससुर की नियत खराब हो जाती है। करावत पैसा सारी है, रुपया 40,000 ससुर लग कहा बिलारी। सोचता मन में हत्यारा, ये रकम हाथ लग जाए हो तब मेरा निवारा। पास लड़के के आता है, अब लेहन ट्रेक कर धर्म पाल दहली कहलाता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, 40,000 रुपए देकर के नियत खराब हो गई और विचार करने लगे ये 40,000 रुपए कैसे मिले। अपने लड़के के पास के लिए चल देते हैं हर पाल के सलाह करने के लिए। धर्मपाल के लिए कमरे में जाकर सुला दिया और देखिए अपने लड़के से जाकर किस तरह से सलाह करते हैं धर्मपाल को मारने की। रुपया 40,000 ससुर का दीने लगाई है, हर कमरा सोए जाए वहां नहीं देर लगाई है। धर्मपाल एक कमरे में सो गया, उसे कोई पता नहीं था कि मेरे साथ में क्या होगा। इधर देखिए हत्यारे ने 40,000 रुपए देख करके और विचार करने लगा, अपने लड़के के पास पहुंचा। हत्यारे ने पास बुलाया अपना लड़का है, जन दीनी रकम दिखाया चले जाओ बता भड़का। जब 40,000 रुपए दिखाए हर बार भर गया, पिताजी कहां से लाए। पिता कहने लगा तेरे लिए पता नहीं है, जिसके साथ मैंने सुशील आदि शादी तय की है उसी लिए 40,000 रुपए दिए हैं। पिता ने बात जारी है, कर महना बेटा अकल तक समर्थ खुला समारी है। मार के इसे खत्म कर दो और रुपया घर में रखो सुशीला अंत कहीं मर दो। हुआ नहीं लड़की से ब्याह है, खुशी का दिन दिखलाता है, खुशी का दिन दिखलाता है, भैया लेहन ट्रेक कर धर्म पाल दहली का जाता है। हरपाल ये 40,000 रुपए इसने दिए है, जिसके साथ मैंने सुशीला की शादी तय कर दिए, ऐसा अगर मेरा कहना मान जाए तो तेरी किस्मत खुल जाएगी, इसको मार के खत्म कर दो और सुशीला की शादी कहीं अंत कर देंगे। पिता के बचन को सुन के हरपाल कहने लगा, हरे पिताजी क्या कहते हो, क्या इसके लिए मारने को। पिताजी आपने तो इसके साथ में सुशीला की शादी तय कर दी है, ये तो तुम्हारा धर्म का तमाम हो गया। पिताजी
क्या इसके लिए मारना चाहते हो? बहन सुशीला आप पिताजी इसे बहाई है, उसे कह रहे मरबा है बन गया सगा जमाई है। तारे क्यों बल पान रो लग जाए को साथ में तुमने सुशीला की शादी दे कर दी है, ये तुम्हारा धर्म का दमाद हो गया। ये 40,000 रुपए देकर के अपने दमाद के लिए मारना चाहते हो पिताजी? लड़के के वचन को सुनकर जसवंत सिंह कहने लगे, क्या कहता हूं युवक अच्छे, इसलिए जान से मारेंगे। जसवंत सिंह गुस्से भर गए और अपने लड़के के लिए फटकारने लगे। हर सुने लड़के के वचन पिता है लाल लाल कर लहन को दमे भर के फटकारा, भैया लाल लाल कर लहन को दमे भर के फटकारा। पढ़े के लिए पढ़ाता है और हम कहते कुछ और आप कुछ और सुनाता है, जान से इसको मारेंगे और अन्नत खेती करे ट्रेन कर हम तुम लाने क्या तू मेरे लिए पढ़ाता है? इसको मार के खत्म करेंगे और सुशीला की शादी कहीं कर देंगे, बेवकूफ ट्रैक्टर आ जाएगा। हाँ पिताजी बात तो सही है, हमने समझ लिया तुम्हारी बात के लिए ट्रैक्टर आ जाएगा, ठीक है इसके लिए मार दो। पिताजी मैं जाता हूं यहां से, दूसरे गांव से बदमाश लाऊंगा और आप इसके लिए कमरे में सुला लेना। तो देखिए भाइयों, हर फाल भी उसी लाइन पे आ जाता है अपने पिता के वचन को सुन के, तो हर फाल कहता पिताजी अरे आप कहे सब ठीक समझ मेरी मैं अब आपे हर ऐसा का दीज बाहर से कटर हम समझिए लाते हैं। पिता मैं यहां से जाता हूं बदमाशा बोला है अभी मैं कत्ल कराता हूं, सावधानी से तुम रहना हर भाग कहीं ना चाहे सुना कर कमरे में देना। पता नहीं काल में तो बाबे लाए ट्रेक कर सबे नाम दुनिया में हो जाबे, काम तो अभी बनाता है रे काम तो अभी बनाता है भैया जी बात सही है, अब मैं समझ गया, इसको मार के खत्म करो, बहन सुशीला की शादी कहीं अंत कर देंगे और ट्रैक्टर आ जाएगा, ठीक है मैं जाता हूं यहां से दूसरे गांव के लिए अपने पार्टी वाले बदमाशों को लाऊंगा और पिताजी तुम इसके लिए कमरे में सुला लेना और ये देखते रहना कि कहीं भाग नहीं जाए। हां ठीक है तुम जाइए और मैं इसके लिए कमरे में सुलाता हूं। मेरे नौजवान साथियों देखिए, हरपाल ये कह करके दूसरे गांव के लिए चला जाता है बदमाश लेने के लिए,
जसवंत सिंह ने क्या काम किया? सुन लड़के के बचन चले जसवंत सिंह पर धर्म पाल का पल का डाला कबर है मैदान के धर्मपाल थका हुआ था, उसे कोई बात का पता नहीं था। पते को सोए गयो मारो बराबरी पर पले का भाई पर बोटे नारो। धर्मपाल सो गया और बराबरी पर सुकुटे ने पलका डाल लिया कि मैं देखता रहूंगा कहीं भाग नहीं जाए। उधर भगवान की क्या महिमा होती है। पर बराबरी पे पलका भाई पर बोटे ने नारो लखाया भाई सुर की माया आ गई बुढ़े को नींद काल उसका भर माया। बुढ़े को धर्मपाल से पहले नींद आ जाती है। खबर नहीं तन की जरा रही और पिता भ्रात की सलाह सुशीला बेटी सुनत रही। पति मेरा मारा जाता है रे पति मेरा मारा जाता है तो दूसरे गांव को चला जाता है अपने पार्टी वाले बदमाशों को लेने के लिए। जसवंत सिंह ने धर्मपाल के लिए एक कमरे में सुला लिया और बराबरी पे अपना पलका डाल लिया कि मैं देखता रहूंगा कहीं भाग नहीं जाए। उधर भगवान की कैसी महिमा होती है। धर्मपाल से पहले नीरज बुढ़े के लिए आ जाती है। बुढ़ा सो जाता है। इधर लड़की सुशीला के लिए सारा किस्सा मालूम हो गया जिसके साथ में धर्मपाल की शादी तय थी। लड़की ने विचार किया ये तो मेरा धर्म का पति हो गया, मेरा पिता मेरा भाई इसके लिए मरवा देगा। भगवान क्या करूं, मैं कैसे बचा सकती हूं। मेरा धर्म का पति हो गया, मेरा पिता मेरा भाई इसके लिए मरवा देगा। शादी मेरी साथ पिता सके ठहराई है अरे उस रे मरवा है कान में लिया बजाई है। धर्म ताई है पति मेरा ले ओ बंसी बारे खबर आसरा है मद का तेरा हे मुरली आज तुम सांबर सो गए हो। धर्म ताई है पति मेरा ले ओ बंसी बारे खबर आसरा है मद का तेरा लड़की कहती है भगवान मेरा पिता मेरा भाई मरवा देगा परंतु मेरा धर्म का पति हो गया ये क्या करूं, अपने पति को कैसे बचाऊं। भगवान अब मैं क्या करूं, जाऊं कहां बतलाइए कैसे बचाऊंगी पति को आकर मुझे समझाइए। सुनते ना मेरी पुकार को करतार ऐसे सो गए माता पिता बैरी बने नाराज तुम भी हो गए। भगवान अपने पति कैसे बचाऊं मैं। मेरे नौजवान साथियों लड़की इस तरह से घर में बैठकर रो रही है और भगवान से विनय कर रही मेरा पति बचाए। घर में बैठी रे लड़की रोवे ना कोई धीरा धरैया थी बालकपन मेरे विधवा कर रहे मजे पिता रामैया जी। धन के लाल जा महया करके मेरे पिता राम महतारी बालक
दे मारे होएगी हर बदसे मेरी सारी मजा दखारी कहा दनिया में ना कोई धीरे थरैया दी बालक पन में विधवा कर रही मजे पिता रामैया दी स्वामी तुमने बड़े बड़े भक्तों के लिए तार दिया है आज मेरी बारी कहां सो रहे हो मेरा पति मारा जाएगा हरी चंद मोरा सदा तारे तारी मीरा भाई जी गज हर कर हरे लड़े जला पीकर गज कालिया रे बचाई जी मेरी बारी कहां जाए सो रहे स्वामी दरहड़ा डरैया जी बालक पन मेरे विधवा कर रही मजे पिता रामैया जी जब भगवान याद करती है तो भगवान ने किसके लिए क्या अकल बताते हैं अरे दीने बंद भगवान में समर क्या माया फैला दे जल्दी जगा ला पते अपने को ऐसी अकल बताते हैं क्या है जगा ला पते अपने को चाहे तारे बजैया दी घर में बैठी रे लड़की रोबे ना कोई धीरे भरैया दी भगवान ने ऐसी कल बताई सुशीला चलती है उसी कमरे में देखती है अपने माता पिता के लिए देखिए घर छोड़ देती है माता पिता सब घर पर छोड़े झट कमरे पर आई है झटके तो साला पते अपने को सीना तो रात जगाई है देव करन तो भारी नाथू थाने सिंह तो भारी नाथू नए नए भजन बनैया घर में बैठी रे लड़की रोवे ना कोई धीरे धरई लड़की ने उस कमरे में देखा जहां उसका पिता सोता था और जहां उसका पति सोता था लड़की ने पहचान करके धीरे सीने अपने पति का चादरा झटक दिया धर्मपाल घबरा करके उठ के बैठ गया कौन है तू आप इधर आई उठकर सुशीला ने आवाज दी धर्मपाल उठ के चल लेता साथ में और लड़की वहां से ले जाती है गांव से बहरा रे बिटौला में दबका देती है और बताती है कि आप उस कमरे में सोते थे आपके लिए कुछ पता था क्या बात है अरे आप मारे जाते उस जगह पे मैं कैसे मारा जाता मैंने क्या कसूर किया है जो कि मैं मारा जाता तुम्हारे लिए पता नहीं है क्या बात है सुनिए बताती है अरे पिया मारे जाने निकले पठारिया मैं अरे बकराड़ कर पिया राड करा दे बारी मारे जाग
बात पिता पर जावे कैसे मन का समझावे रोहे बात पिता पर जावे कैसे मन का समझावे हरे रे धीरा धर गोपिया धीरा धर भाग से जइया पता अपने प्राण बचइयो अरे रे ना तू समझा रे दावे बतारिया में अरे पिया मारे जावे पिया मारे जावे इकने बतारिया में इसलिए मैं तुम्हारे लिए उठाकर लाई हूं और उस कमरे में सोते थे आम मारे जाते धर्मपाल के लिए उस लड़की ने उस बिचौला में बैठा दिया मेरे नौजवान साथियों उधर से देखिए हरपाल बदमाशों को लेकर आता है और देखिए धर्मपाल की जगह पर उसका पिता सोता है उसके लिए कुछ पता नहीं है कि धर्मपाल वहां से उठ गया है। अरे ले गई पतका उठा बिचौला में सब कायो है हर पाल और हर पतमा हसन कर ले कर कह आयो है बता दीना है ये कमरा हर पाल ने दूर से बता दिया इस कमरे में सोता है बदमाशों ने कोई पहचान नहीं की उन्हें तो मरना ही था और उसने बताया अगर मैं जाऊंगा तो मेरे लिए पहचान लेगा इसलिए मैं नहीं जाऊंगा बता दीना है ये कमरा धर्मपाल के धोखे में उस बूढ़े का बकरा मार बूढ़े का डारा है हर पाल करिए पहचान इहे तो पिता हमारा बदमाश ने कोई पहचान नहीं की जाते ही जाते उस बूढ़े को मार दिया हर पाल ने बाद में देखा जाकर के एकदम से चीख पड़ा और ये क्या हो गया ये तो मेरा पिता मर गया जोर से ये कदम गल करा हर मार गया बहजोई नगरिया का रह जयाल सुबह घर सौंप मनाता है रे सुबह घर सौंप मनाता है भैया ने लगते घर घर पान डाली खा जाता है मरवा दिया धोखे से पहचान की तो कहने लगा गजब हो गया ये तो मेरा पिता मारा गया एकदम से सारी बस्ती में शोर हो गया सभी गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और कहते क्या बात है किसने मार दिया तो सबके लिए यही बताता है रात मेरा पहले ही ठहरा था वही मेरे पिता के लिए मार गया। मेरे नौजवान साथियों भगवान की बहुत लंबी बहना होती है जिसको मारना चाहे वो बच गया और पिता के लिए मरवा दिया। सुना मेरे भाई तो मर गए गोली मारी है तभी देखो जान गए सोना मेरे भाई तो मत जब छाई सी तो मर आन गए गोली मारी है तभी देखो जान गए
देखिए धोखे से अपने पिता के लिए मरवा दिया, सारी बस्ती में हल्ला मचा दिया, रात मेरा पहरे ठहरा, वही मेरे पिता के लिए मर गया। मेरे नौजवान साथियों, पुलिस ने सूचना पहुंची तो देखिए पुलिस आती है तो पुलिस वालों ने पूछा तो सबके लिए यही बताया, अब भाई ये न पलकी देर खबर थाने में आई है, हर पूछा है बहल रहे सब ये बतलाई है, भैया पूछा है बहल रहे सब ये बतलाई है। पुलिस वालों ने पूछा तो सबने यही बताया, मारे इस बोलते को डाला हर पापा मादैनी कनगरिया न रहने वाला। इतने में लड़की सुशीला बुलाई जाती है, सुशीला तो ता बुलाई है कि न महरो तेरो पिता तो है बेटी बदलाई। जब सबने ये बयान दिया तो लड़की की तन में गुस्सा नहीं रुकी, बेटारा से निकल के चलती अपने पति के पास, कहते तुम्हारे लिए सर नहीं आती, मेरे पति के लिए दो सर आते, मेरे पिता के लिए मेरे भाई ने मारा है। लड़की ने फौरन जवाब दिया, मेरे भाइयों, तो लड़की से पूछा जाता, बेटी सारे किस्सा के लिए बता दे, ये किस्सा कैसे हुआ था और तेरा पिता कैसे मारा गया, क्या मुझ पर कोई जुल्म तो नहीं है? नहीं बेटी तुझ पर कोई जुल्म नहीं है। तो लड़की बताती है, पहले आदर करो मुझको रिहाई मिले, फिर हुक्म आपके को बजाती हूँ मैं, जो हुआ है हाँ उसको सुन लीजिए, किस्सा साचा ही साचा सुनाती हूँ मैं। देखिए लड़की ने जैसा किस्सा हुआ था सब बताया है, मेरे ऊपर कोई जुर्म तो नहीं है, नहीं तेरे ऊपर कोई जुर्म नहीं है। तो कहती है, हो दारोगा बाबू मेरे, मैं भैया बाड़ू तेरे, ये किस्सा हुआ रात में, साथ करने को बालम के साथ में।
क्योंकि मेरे पति ट्रैक्टर ले लिए जा रहे थे और के पीछे बदमाश लग गए। मेरे पति में 40,000 रुपए थे और 40,000 रुपए जान बचा बदमाश पत ससुरारी रुपया डाली मेरे पति ने मेरे पिता के लिए 40,000 रुपए दे दिए। 40,000 रुपए दे करके मेरे पिता की नीयत खराब होने लगी। रुपया डाली पिता मेरे पिता ने पति बेचारी है हर बीजा इसका बाहर रकम मिलता व्यापारी। देकर के मेरे पिता की नीयत खराब हो गई। उन्होंने विचार किया हो गया। मैं अपने पति को उठाकर ले गई भाती और मैंने बिचौला में दबका दिया है। बदमाशों ने करी बदमाश नहीं देरी पति के धोखे पे ना मेरे की मार करिए देरी। निकाला जाता है मेरे नौजवान साथियों और देखिए सुशीला के साथ में किस तरह से शादी की जाती है और 40,000 रुपए उस हत्यारे को फौरन मंगवाए जाते हैं उसके घर से। सुन लड़की के बचन देर नहीं पलकी गिनी है और धर्म पाल का बोला सता संग शादी है। शादी करा करके उनके लिए घर पहुंचा दिया जाता है और इधर देखिए हत्यारे के साथ में जेल में उसको भजवाया हर जैसी कर ली करी राम ने पैसा निकलाया। मेरे प्यारे भाइयों इस कहानी के रचयिता बधाई एतवारी लाल बन्नथू लाल और उन्हीं की आवाज में आप सुन रहे और हमारे साथ जो ढोलक पर संगत कर रहे थे वो थान सिंह मस्ताना धर्मपुर वाले और मजीद पर संगत जो कर रहे थे वो बेदराम सिंह अनुरागी धर्मपुर वाले।